दोस्तों टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन उसका काफी सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, कमेंट में देता हूं, आप जाके जरूर से देखना। मैंने टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो बनाया था जून 2019 का, तो टेक न्यूज़ के बाद आप जाके देख सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नोटिफिकेशन का लफड़ा कभी भी हो जाता है और पता नहीं ये टेक न्यूज़ की भी नोटिफिकेशन गई होगी या नहीं होगी। एनीवेज दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। कल एक तगड़ा कंपैरिजन वीडियो आएगा 10:30-11 बजे के बीच में, अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना तो जरूर से YouTube पे खुद आके देख लेना। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहां पर Huawei से। और यहां पर दोस्तों एक गलतफहमी अक्सर लोगों में रहती है कि अगर हम किसी पर इतना प्रेशर डालेंगे, उसको इतना दबाएंगे, धमकाएंगे तो वो हमारे सामने कुछ नहीं कहेगा, और ये गलतफहमी ना अक्सर यूएस को ही होती है। लेकिन फाइनली दोस्तों Huawei ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया है और पहली बार Huawei ने यूएस के खिलाफ उसकी ही कंट्री में उसकी कोर्ट के अंदर उसके ऊपर केस कर दिया है। जी हां, और यहां पर उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि हमें पुख्ते सबूत दो कि हम यहां पर स्पाई करते हैं, अगर आप प्रूफ कर देते तो फिर हमें आप बैन कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहां पर दोस्तों यूएस ने उसकी कंट्री में सारी कंपनीज को बोला कि इसके साथ में कोई बिजनेस मत करना, यहां तक कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अनाउंस कर दिया, अलग अलग कंट्रीज में बोल दिया कि इसके साथ में पार्टनरशिप मत करना, यह आपकी कंट्री के लिए थ्रेट हो सकता है क्योंकि यह स्पाई करता है। तो Huawei ने यह कहा कि आपको इतना हक नहीं है कि आप अपनी कंट्री के अलावा भी पूरे वर्ल्ड में यहां पर हमारी बातें कर रहे हैं, अगर आप प्रूफ कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो हमारे ऊपर से बैन को लिफ्ट कर दो। सीधी बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ अगर आपने झूठा बोला है तो दूसरी तरफ आपको उसको साबित भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या पता Huawei जीत जाए और उसके ऊपर से बैन लिफ्ट हो जाए। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों Huawei का जो OS आने वाला है इस पे Huawei काफी टाइम से काम कर रहा है और अभी तक हमें ऑफिशियली नहीं पता कि इसका नाम यहां पर क्या होने वाला है। हालांकि पहले उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया था जो कुछ अलग ही नाम था, लेकिन अभी यहां पर उन्होंने EUIPO के ऊपर एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको Huawei Arc OS के नाम से जो वो देखने को मिल सकता है। जी हां, Arc, उसके अलावा या फिर Huawei Arc या फिर सिर्फ Arc या फिर Arc OS, जी हां इस तरीके के नाम के साथ में आपको Huawei का नया OS देखने को मिल सकता है जो इस साल की एंड के अंदर बताया जा रहा है कि चाइना में होगा लॉन्च, उसके बाद ग्लोबली 2020 से जो वो लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों Huawei का ये OS क्या खास लेके आता है, क्या नाम के साथ में आएगा, आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों OnePlus 7, मैं OnePlus 7 Pro की नहीं OnePlus 7 की बात कर रहा हूं, 32,999 के साथ में ये लॉन्च हुआ था, एकदम किलर प्राइस थी। अब यहां पर दोस्तों ये 4 जून से जो वो सेल पर जाने वाला है Amazon पर और उनकी ऑफिशियल स्टोर ऑफलाइन वगैरह सब जगह पर, तो अगर काफी सारे लोग यहां पर वेट कर रहे थे कि भाई OnePlus 7 मुझे कभी परचेस करने को मिलेगा, तो 4 जून को जाना आप Amazon के ऊपर और आप उसको वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही किलर प्राइस है, काफी अच्छा फोन है। तो OnePlus 60 के अलावा अगर आपको ये फोन चाहिए तो आप 4 जून से जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Apple की तरफ से खबर आ रही है, Apple की तरफ से दो खबर आ रही है। पहली खबर की बात करें तो WWDC 2019 कुछ दिन में ही होने वाला है और वहां पर एप्पल हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग काफी सारी चीजें अनाउंस करता है। लेकिन दोस्तों iOS 13 की कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पर निकल कर आ गए हैं 9 to Mac द्वारा, जहां पर आप देखेंगे इसमें आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड मिलने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। आपको यहां पर पूरा UI जो वो चेंज मिलेगा, आपको बहुत ही फास्ट ये UI मिलेगा, उसके अलावा साथ में एक्सपांडेड मल्टीटास्किंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, अंडू करके एक नया फीचर मिलेगा, iPad के लिए भी प्रॉपरली इसको कस्टमाइज किया जाएगा, काफी सारे नए फीचर्स iOS 13 में आपको मिलेंगे। तो ये पिक्चर यहां पर निकल कर जो प्रूफ कर रहा है, आप देखते हैं दोस्तों। वैसे वो लोग इंटरपोलेटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, मतलब iOS और macOS के बीच में कोई गैप नहीं होगा और वो मिलके भी कुछ वहां पर वो लोग जो बताने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, ये तो हमें WWDC में ही पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों Apple के साथ में यहां पे वैसे काफी बुरा हुआ और Apple की सिक्योरिटी सर्वर को एक 17 साल के ऑस्ट्रेलियन लड़के ने हैक कर दिया और 2015 में पहले उसने किया था, उसके बाद 2017 में भी उसने किया और उसे पूछा गया कोर्ट में कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं जानबूझ के किया, मैं चाहता था कि Apple मुझे रिकॉग्नाइज करे और मुझे अपनी कंपनी में जॉब रख ले। जी हाँ, अब यहां पर उसने सर्वर को ट्रिक किया था और सर्वर को लगा था कि भाई ये एप्पल का एम्प्लॉई है और उसके चक्कर में उसने जाके पूरे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लिया था। यहां पर यूरोप में एक लड़के ने पहले किया था, उसको तो जॉब मिल गई, लेकिन जब इस लड़के ने किया तो ये भाई तो पूरी तरीके से फंस गया क्योंकि बात FBI तक यहां पर चले गई थी। देखिए लोग अपनी काबिलियत को साबित करवाने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन इस बार यहां पर ये फ्लॉप हो गया। तो यहां पर दोस्तों MediaTek ने Computex के अंदर कमाल कर दिया, मतलब ऑल इन द ब्लू सबको सरप्राइज कर दिया और अपनी खुद की 5G
चिप को जो वो लॉन्च कर दिया है। पहले मीडियाटेक ने अपने हीलियो M70 वाले मॉडेम को लेके आया था 5G मॉडेम को, लेकिन उसको किसके साथ में लगाएगा, तो ये 5G चिप आ गई जिसके साथ में उसको वो लगाएगा, तो 5G रेडी वो चिप बनेगी और 2020 से काफी सारी कंपनीज उसको अपने फोन्स में लेके आएगी। अब दोस्तों ये एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको मिलता है जिसमें ये 7nm पर बेस्ड है, फाइनली बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें आपको कॉर्टेक्स A77 वाला CPU और माली G77 वाला आपको GPU जो भी रिसेंटली 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था जो बहुत ही पावरफुल है। उसके अलावा 4K 60fps पे वीडियोस, साथ में सुपर हाई रेजोल्यूशन 80MP तक के आपको कैमरे शॉट्स, मतलब कमाल कर दिया यार। साथ में यहां पर 4.7 GBPS की आपको डाउनलोड स्पीड और 2.5 GBPS की आपको अपलोड स्पीड, ये तो एकदम किलर ही है और पता नहीं कौन सी कंपनी इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि हम एक 5G चिप लाएंगे जो बजट फोन्स में आएंगी, मतलब 15-20-25 हजार में। हमारा काम तो हो गया यहां पर, तो स्नैपड्रैगन ही नहीं बल्कि मीडियाटेक ने भी कमाल कर दिया, जो 2019 के एंड से मास प्रोडक्शन में जाएगा, 2020 से आएंगे, तो हमारा काम तो खलास और मीडियाटेक ने भी कमाल कर दिया। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और रियलमी एक्स इंडिया में कभी लॉन्च होगा, तो ज्यादातर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये जून के महीने में लॉन्च होगा और रियलमी एक्स का इंडियन वर्जन आएगा जिसमें स्पेक्स में भी काफी सारे चेंजेस की जाएगी। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको स्नैपड्रैगन 730 वाला ही प्रोसेसर मिलेगा जो 18,000 के ऊपर आपको मिलेगा। ऑब्वियसली माधव शेट ने इसको खुद कंफर्म किया था और वो शायद रेडमी K20 से ही कंपीट करने के लिए आ रहा है, इसलिए उन्होंने चाइना वाले वेरिएंट को रोक दिया था और इसलिए उन्होंने इंडियन वर्जन को यहां पर लाने की प्लानिंग की थी। लेकिन अभी यहां पर माधव शेट ने यह बताया कि सेकंड हाफ ऑफ 2019 से यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा। अब सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट होता है जुलाई से, जी हां, तो जुलाई के अंदर आपको रियलमी एक्स इंडिया में देखने को मिलेगा। अब वो जुलाई तक क्यों गया ये नहीं पता, लेकिन माधव शेट ने ट्वीट करके एक किसी को रिप्लाई करके यहां पर बताया था कि सेकंड हाफ ऑफ 2019 में रियलमी एक्स इंडिया में आएगा। अब जैसे आएगा जुलाई के अंदर दोस्तों मैं आपको और भी जानकारी इस पे दे दूंगा। तो यहां पर दोस्तों फाइनली पूरे वर्ल्ड के अंदर टी सीरीज यहां पर एक ऐसा यूट्यूब चैनल बन चुका है जिसने सबसे पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स मार्क को अचीव किया है। हम इंडियंस के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, भले ये आपस में प्यूडीपाई के साथ में जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन सबसे पहले हमने 100 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क को अचीव किया। मैं हमने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टी सीरीज इंडियन है और हमारा ही यहां पर एक नाम ऊपर आया है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। 100 मिलियन बहुत ही बड़ी बात है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन टू आपको भी और टी सीरीज को भी। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और मुझे ये सब खबरें सुन के काफी अच्छा लगता है क्योंकि OnePlus ने भी पहले अपने ऑक्सीजन OS का इंडियन वर्जन जो वो अनाउंस किया था, जो हमारे इंडियन की हैबिट के हिसाब से स्पेसिफिकली हमें वो अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ओप्पो ने भी यहां पर अनाउंस कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो हैदराबाद का जो R&D सेंटर है ना, तो इंडिया में जितने भी जो ओप्पो फोन है उनमें आपको उसी R&D सेंटर से अपडेट्स मिलेंगे स्पेसिफिकली हमारे इंडियन हैबिट के हिसाब से। तो अच्छी बात है कि ओप्पो का जो कलर OS है जो भी है ये चल रहा है, इसमें अभी आपको ऐसे अपडेट्स मिलेंगे फ्यूचर के अंदर जो आपकी हैबिट के हिसाब से और हमारी नीड के हिसाब से ही होंगे। बस यही एक बात है कि रैम मैनेजमेंट अच्छा कर दो, थोड़ा सा और फास्ट और इंप्रूव कर दो तो आपका OS भी यहां पर बेटर हो सकता है। क्या आपको यहां पर पता है कि जो टी सीरीज का जो टी है ना इसका मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब है त्रिशूल। जी हाँ, जो गुलशन कुमार जो थे ना वो लॉर्ड शिवा के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो जो लॉर्ड शिवा है उनका जो वेपन था ना वो त्रिशूल था, इसके लिए उन्होंने टी सीरीज यहाँ पर अपनी कंपनी का भी नाम रखा था। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ बता रहूंगा, आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।